I am back. Turn on notification bell. Don't miss updates. दोस्तों अपने फोन को चार्ज करते वक्त हम कुछ गलतियां करते हैं जिनके कारण हमारा फोन 50% कम तेजी से चार्ज होता है। इवन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की भी पूरी स्पीड हमें नहीं मिल पाती है इन्हीं गलतियों के कारण। कौन सी हैं वो गलतियां, आइए बताता हूं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इन जानी अनजानी गलतियों में सबसे पहली और सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती ये है कि हम लोग अपने फोन को बिना फ्लाइट मोड पर लगाए, बिना एयरप्लेन मोड पर लगाए चार्ज करने लग जाते हैं। इससे हमारा फोन देरी से चार्ज होता है क्योंकि फोन नेटवर्क को सर्च करता है, नहीं जो नेटवर्क सिग्नल है उनको सर्च करता है, जिससे हमारी बैटरी ड्रेन होती रहती है। आप उसमें चार्जिंग भरते रहते हो और वो नेटवर्क बैटरी को ड्रेन करता रहता है। यदि आप एयरप्लेन मोड पर लगाकर फोन को चार्ज करेंगे ना तो आपका फोन 25% तेजी से चार्ज होगा। यकीन नहीं है, करके देख लो सच में। दूसरी गलती है गलत डेटा केबल प्रयोग करना। जो हमारे फोन के साथ आई वो तो ठीक है, परंतु जब वो खराब हो जाते हैं तो हम दुकान से कोई भी लोकल डेटा केबल उठा लेते हैं। अगर डेटा केबल के आप अंदर देखोगे तो उसके अंदर चार तरह की तारें होती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक और व्हाइट। यहां पर व्हाइट और जो ग्रीन है वो डेटा ट्रांसफर के लिए होती है और रेड और जो ब्लैक है वो होती है चार्जिंग के लिए। अगर आप ओरिजिनल डेटा केबल को देखेंगे तो उसकी तार की जो गेज होगी, यानी एक गेज को हम मेजर करते हैं तार को, वो होती है 24 गेज, और जो लोकल तार होती है यानी लोकल डेटा केबल होती है उसकी जो गेज होती है वो 28 गेज होती है। यहां पर 24 गेज ज्यादा बढ़िया और बेहतर तरीके से चार्जिंग करती है। तो आप अपने फोन के लिए लोकल डेटा केबल ना लें। यदि आप अपने फोन को पूरी तेजी से चार्ज होते देखना चाहते हो तो फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें। ऐसे में आपका फोन 50% दुगनी तेजी से चार्ज होगा। और अपनी गर्लफ्रेंड से कह दें, डार्लिंग बाद में बात करता हूं, फोन अभी चार्जिंग पे है। फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा वॉल सॉकेट का प्रयोग करें। मेरे जैसे कुछ अज्ञानी लैपटॉप में ही लगा देते हैं फोन को चार्ज करने के लिए। ये जो नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है ना, ये 0.5 एम्पीयर की वोल्टेज देते हैं, जिनसे फोन को नुकसान तो नहीं होता परंतु बहुत स्लो चार्ज होता है। तो यदि आपको तेज चार्ज करना है तो वॉल सॉकेट का ही प्रयोग करें। एंड्रॉइड को चार्ज करते वक्त आप ये और देख लें कि आपका चार्जिंग मोड एनेबल है कि नहीं। कहां मिलेगा चार्जिंग मोड? चार्जिंग मोड मिलेगा आपको डेवलपर ऑप्शन में। अगर आपको यह नहीं पता कि डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होता है तो आपको ये वीडियो आप देख लो, यहां पर आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना आ जाएगा। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, वहां पर आपको मिलेगा सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर आपको चार्जिंग मिलेगा, मीडिया ट्रांसफर पे वो ऑन हो रहा होगा, उसे चार्जिंग पर ओके कर दीजिए। तो ये भी आपको एंश्योर करना होगा कि हमारा चार्जिंग मोड एनेबल है, इससे भी आपकी जो चार्जिंग वो तेजी से चार्ज होगी। एक गलती हम पावर बैंक के साथ भी करते हैं, हम अपना फोन किसी भी पावर बैंक में लगा देते हैं जबकि हमारा फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। नहीं भैया, जो नॉर्मल पावर बैंक है ना वो केवल 1 एम्पीयर की वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारा फोन स्लो चार्ज होता है। और यदि आप अपने फोन को तेज चार्ज करना चाहते हैं, क्विक चार्ज करना चाहते हैं, तो आपको जो क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला पावर बैंक लेना होगा, यानी उसकी जो यूएसबी पोर्ट है वो 2 एम्पीयर की वोल्टेज को प्रोवाइड कराए, तभी आपका फोन फास्ट चार्ज होगा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद उसे सुन के आप चौंक जाएं। यदि आपकी प्रेफरेंस ये है कि भाई हमारा फोन जल्दी ही चार्ज होना चाहिए, तेजी से चार्ज होना चाहिए, तो आपको वायरलेस चार्जिंग यानी बिना तार वाली चार्जिंग को अवॉइड करना होगा। नहीं नहीं, मैं वायरलेस चार्जिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बहुत बढ़िया है, परंतु कंपैरेटिवली वायर्ड चार्जिंग यानी तार वाली चार्जिंग ज्यादा स्पीड से चार्ज होती है। सिंपल सा लॉजिक है कि जो तार है वो ज्यादा कैपेबल होता है डेटा ट्रांसफर के लिए, और तार वाली चार्जिंग में वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी नहीं होती। और अंतिम, जिसे सुन के आप उछल पड़ोगे, जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो आपको अपने फोन के केस या कवर को नहीं लगा के रखना चाहिए। क्यों भैया? एक सिंपल सी केमिस्ट्री इसके पीछे कि आपकी बैटरी जितनी कूल रहेगी उतनी तेजी से चार्ज होगी। हमारे फोन में लिथियम आयन बैटरी होती है जिन्हें एक टेम्परेचर चाहिए होता है चार्जिंग के वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो यदि आप फोन के कवर को हटा देते हो तो उसको मदद मिलेगी ये टेम्परेचर मेंटेन करने में। नॉर्मली एवरेज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, तो उसे मदद मिलेगी ये टेम्परेचर मेंटेन करने में, जिसके कारण वो जल्दी से चार्ज होगा। अब कहोगे भैया इससे तो अच्छा ये है कि हम फ्रिज में रख के फोन को चार्ज करें। नहीं, फ्रिज में रख के फोन को चार्ज नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया ना 5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक, और फ्रिज में टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब करके जाना। अर्ज क्या है,
सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है, सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है। मेरी वाली भी आई थी शादी का कार्ड लेके, कहने लगी बरातियों का ख्याल तुम्हें ही रखना है।